किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब आप उसके लिए फायदेमंद नहीं रहते। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, इससे तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। किस्मत से फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसलों से किस्मत बदल सकती है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। नसीब का लिखा कब, कहां और कैसे मिलना है, ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किसी की किस्मत और नसीब कॉपी नहीं कर सकता। हमेशा स्पेशल बने रहो, क्योंकि आम बनने से लोग अचार बना देते हैं। गलत कहते हैं लोग कि जिंदगी एक बार मिलती है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिसने आपको जिंदगी दी है उसने आपके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को जिंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है, तभी रिश्ते बनते हैं। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए वसीले बना देता है। बंदा जिस चीज से डरता है उससे दूर भागता है, लेकिन जब अल्लाह से डरता है तो उसके करीब आता है। और एक दिन जब तुम टूट जाओगे तो तुम्हें भी अल्लाह से बात करना आ जाएगी। मायूस क्यों होते हो, इंसानों की दूरियों से काफी है, हमें महज एक अल्लाह का साथ। उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है, जो झुक गया अल्लाह के सजदी में फिर वो जो चाहे जरूर मिलता है। जब अचानक रूह उदास हो जाए तो वो रूह मरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह की मरम्मत हो जाती है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी की चाहत डाली है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दे रहा है, तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी चाहत पे राजी हो, बस तुम्हें आजमा रहा हो। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं, आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तन्हा महसूस करते हो कि कोई बात करने के लिए भी ना हो, तो अल्लाह से जुड़ जाओ। अल्लाह कभी मसरूफ नहीं होता, अल्लाह के पास हमारे हर सवाल का जवाब होता है, जो हमें सुकून देता है। अल्लाह पर भरोसा रखा करो, देखना ये बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाएंगे। तकलीफ के लम्हे गुनाहों में कमी कर देते हैं। बस यही तो इंसान का इम्तिहान है कि मन चाहा छोड़कर रब चाहा पे राजी होता है या नहीं। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए, मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं।